गोवा मुस्लिम टोला के ग्रामीण 4 सालों से जल मीनार निर्माण को लेकर है परेशान, दूर करने में भी है सभी अभी तक नाकाम। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जोरी के ख्वास ओयना मुस्लिम टोला के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। यहां पर गांव वालों के मुताबिक जल मीनार निर्माण को लेकर लंबे अरसे से मांग की जा रही है, लेकिन किसी ने इस मजलूमों की परेशानियों को समझने और दूर करने का प्रयास नहीं किया, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोश में है। ग्रामीणों के अनुसार लोहरदगा लोकसभा चुनाव आने को है और नेताओं का आवाजाही गांव में शुरू हो चुकी है। इधर गांव वालों का कहना है कि वैसे प्रत्याशियों को मतदान करेंगे जो हमारी समस्याओं को यथाशीघ्र दूर करने में सकारात्मक भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। बहरहाल लोहरदगा में तपती गर्मी से लोगों में त्राही त्राही मची हुई है और ऊपर से पीने के पानी की उपलब्धता ओयना मुस्लिम टोला निवासियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह मजलूमों की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने में नेता और प्रशासन अमला कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं। इधर ग्रामीणों में कौशल अंसारी, रशीद अंसारी, अबू शहमा, अफसर अंसारी, रेहाना खातून, शकीला बेगम, रजिया खातून, रिजवाना प्रवीण, जिन्नत प्रवीण, अनवरी खातून, नाजरीन प्रवीण समेत अन्य लोग शामिल थे। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग 4 साल से परेशान है पानी के लिए। हम लोग डीसी जगह भी जा चुके हैं और जल पर जो होता है ना, पेयजल विभाग, हाँ जल पेयजल वहाँ भी जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं, मगर सब कहते हैं देंगे, उसके बाद फिर कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। बात उसके बाद सब कहे कि रमजान से में देंगे, उसके बाद फिर उस समय भी हम लोग आसरा देख रहे हैं, आजकल फिर हुआ भी नहीं। और 4 साल से परेशान है, आप ही अब कुछ कीजिए इसका आगे। क्या लिखित आवेदन दिए हैं? जी दिए हैं, हम लोग बहुत डीसी ऑफिस में जाके दिए हैं, जल पेयजल में भी दिए हैं जाके। इतने दिन के बाद भी आप लोग की समस्या दूर नहीं हुई? दूर नहीं हो रही है समस्या हम लोग के साथ। अब अभी कहाँ से पानी आप लोग ला रहे हैं? कहीं कहीं से हम लोग जुगाड़ कर ही लेते हैं पानी का, कहीं इधर उधर जाके। ये गांव में ना पानी का बहुत दिक्कत है, जगह जगह टोंगरी इलाका है ना, इसके लेके खास करके। ये परेशानी महल्ला के साथ साथ सारे विभाग को भी मालूम है, विगत 4 सालों से लेकर के मौखिक के साथ साथ लिखित भी दिया गया है। हमने काफी टाइम डीसी सर के दरवाजे को भी ठकठकाया है, आवाज़ लगाया है, पर्सनली रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन किसी तरीके के वहाँ से किसी तरीके के कोई सुनवाई नहीं हुआ। पीएचडी विभाग में जाने के बाद इतना मीठा मीठा आश्वासन दिया गया कि हाँ 2-4 दिन बोल के 4 सालों से तलावा दिया गया। उन लोग का कहना है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके जाइए, अगर डिले होता है तब कॉल कीजिएगा। कॉल करने के बाद विभाग की तरफ से कोई जवाब दे नहीं आता, कॉल काट दिया जाता है। और अभी जब राजनीतिक सियासत गर्म है तो अभी हर एक पार्टी के नए नए नेता आ रहे हैं आश्वासन देने के लिए, लेकिन इस बार जनता का रुझान कुछ ऐसे है कि 4 साल से जो पब्लिक इतने दूर से पानी ढो के ला रही है, महिलाएं हैं, शादीशुदा नई नई लड़कियां हैं, बच्चे हैं, हम जैसे नौजवान हैं जो कि सुबह उठने के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निकलने से पहले एक बार पानी इकट्ठा के बारे में सोचते हैं कि क्या किया जाए आज के दिन। लेकिन इस बार हम ग्रामवासी मिल के, हम जिस तरीके से राजनीतिक सियासत है, हम ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे उम्मीदवार को भी सबक सिखाने का कार्य करेंगे। हम ऐसे उम्मीदवार को ही वोट करेंगे जो हमारी समस्या को देखेगा। हम किसी भी राजनीतिक लाइन से देखे हुए हैं कि कल या परसों में भी फिर आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा इलेक्शन के बाद। हमने ये भी बोला सर 4 सालों से क्या आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग को 4 साल तक ओयना मुस्लिम टोली आप लोग नहीं दिखा, जबकि लोहरदगा ब्लॉक कितने नज़दीक है। तो खैर उतना दूर जाना नहीं है हम लोग को, जनता तो खैर यही चाह रही कि आप लोग ये सुविधा कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं सुविधा होता है तो इस इलेक्शन में हम ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का कार्य करेंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।